अब आपको राजस्थान के सिरोही से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सवारी से भरा हुआ एक ऑटो रिक्शा नदी में घुस गया और उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। सिरोही में अचपुरा नदी में एक ऑटो तेज बहाव में फंस गया। नदी के बहाव में फंसे ऑटो को निकालने की कोशिश हो रही है। ऑटो ड्राइवर का क्या हुआ, ऑटो रिक्शा नदी में कैसे पहुंच गया, सब बताएं। लेकिन पहले देखिए ऑटो रिक्शा को नदी से निकालने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। ये घटना बुधवार की है। नदी के किनारे कुछ लोग खड़े हुए हैं, उन्हीं में से एक शख्स तैरता हुआ ऑटो रिक्शा के पास पहुंचा। वो ऑटो रिक्शा को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटो रिक्शा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि ऑटो रिक्शा नदी में कैसे पहुंचा। बताया जा रहा है कि सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को ड्राइवर ने नदी में खुद उतारा था। जिस वक्त नदी में ऑटो रिक्शा उतारा, उस वक्त नदी के पानी का बहाव ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन अचानक नदी के पानी में तेजी आ गई। इसकी वजह से ड्राइवर ऑटो को संभाल नहीं पाया और नदी के तेज बहाव में ऑटो बहने लगा। ऑटो बहता देख उसमें बैठी सवारियों ने ऑटो से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ड्राइवर भी सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन ऑटो रिक्शा पानी के तेज बहाव में फंसा रह गया। नदी में पानी बढ़ने से ऑटो रिक्शा के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी बहने लगी। मोटरसाइकिल सवार को भी बचा लिया गया था, लेकिन मोटरसाइकिल नदी में बह गई। ऑटो रिक्शा को नदी से नहीं निकाला जा सका। दरअसल मंगलवार रात को तेज बारिश हुई थी। बारिश की वजह से अचपुरा नदी में पानी बढ़ गया। प्रशासन ने अपील की है कि कोई भी नदी में नहीं उतरे, ना ही बहते पानी में सड़क पार करने की कोशिश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBTR।